कोई ऐसी जगह नहीं जा रहा कि मेरे को उस प्लेस पे जाना है और उस प्लेस पे जाके वापस आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना सिर्फ नॉर्मल राइड करने जा रहा हूँ, संडे राइड। तो संडे राइड में अब जाने के लिए मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, थोड़ी चीज़ें देखने को मिले, थोड़े और राइडर्स मिले, क्योंकि मैं एज ए सोलो जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़े राइडर्स मिले, कोई ग्रुप मिले, उनसे थोड़ा सा इंट्रैक्शन बने मेरा। और मैं मतलब ये है कि थोड़ा एक कोई ग्रुप हो अच्छा सा, उसके साथ जुड़ूँ। तो कभी राइड वाइड पे जैसे जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, कहीं संडे राइड पे जा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ मैं जा सका करूँ। अभी के लिए ये था कि यार घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा निकलते हैं घर से बाहर, थोड़ा जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा ही, सीखने को मिलेगा ही। बाकी अपना ब्लॉग का ब्लॉग हो जाएगा संडे राइड का। और हाँ, ये मैंने ऑनलाइन ग्लव्स मंगाए हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर किसी को पसंद आए तो वो भी ले सकता है। ठीक है रिव्यू, मतलब तो मेरा रिव्यू ठीक है ग्लव्स का, सही है ग्लव्स। आज के दिन के पहले राइडर जो दिखे वो ये जा रहे दोनों, एक पे हिमालयन है और दूसरे पे मैं देख के बताता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से पहाड़ कहाँ से आ गए। तो मेरी कुछ क्लिप्स में ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, जैक सही से ना लगे होने के कारण। तो कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी है जो मैं वॉइस ओवर के ही ज़रिए आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। मैं जब गुड़गांव पहुँचा तो एक राइडिंग ग्रुप को मैं पहले से फॉलो करता हूँ जिसका नाम है काफिला, तो वो लोग वहीं पर थे, उनकी राइड जा रही थी गुड़गांव टू अरावली हिल्स लेपर्ड ट्रेल। तो मैंने जाके उनसे बात की कि अरे आपको तो मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा हूँ। तो उनका जो मेन लीडर है अनिरुद्ध, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि आप भी ज्वाइन करिए, आप भी चलिए हमारे साथ। तो वहाँ से उनको मैंने ज्वाइन किया और इनके साथ साथ मैं भी राइड करता हुआ ग्रुप में इनके साथ साथ यहाँ अरावली हिल्स आया हूँ। यहाँ पे एक कैफे है जहाँ पे हम जाएंगे, खाएंगे पियेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वो कैफे, यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे। यहाँ पे बफे सिस्टम है तो यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस। राइडर्स के साथ मिल लिए, बैठ लिए, काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोगों से बातें हुई अच्छी खासी। और मतलब एक दो जनों से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल शेयर हुआ है फॉर राइडिंग पर्पस की, कोई कह रहा है मैं सिक्किम की प्लान कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं केदारनाथ का प्लान कर रहा हूँ। तो जो भी मुझे आगे चले कन्वीनियंट लगता है तो मैं किसी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ कि राइड के लिए, जैसे जहाँ के लिए मेरा बजट बने और मेरा टाइम की वो होगी मैनेजमेंट, तो मैं प्लान कर सकता हूँ राइड के लिए इन लोगों के साथ। बाकी कभी अरावली हिल्स नहीं देखा था, अरावली हिल्स भी देख लिया है, राइडिंग राइड भी हो गई, संडे राइड भी हो गई है।
बाकी मज़ा बहुत आया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऊंट भाई यहाँ पे लेपर्ड है, लोगों ने देखा है, मतलब रोड पे भी आ जाता है और है। मैं अब जा रहा हूँ अकेले वापसी। क्या रोड है, मस्त मज़ा आ रहा चलाने में। बट यहाँ पे नेटवर्क नहीं है यार, बिल्कुल भी ना नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ फोटो चाहिए था बाइक की फ़ोटो खींच सकता हूँ, यहाँ बाइक की फ़ोटो खींचता हूँ। सजनी रे कैसे कटे दिन रात। ये सारी सैंड है, मिट्टी है, इसमें ऐसे टायर फिसल रहा है ना, क्या बताऊं पूरा। बाप रे बाप, मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई है और अब मैं यहाँ से अरावली हिल्स और जो अपना लेपर्ड ट्रेल वाला एरिया है यहाँ से बाहर आ गया हूँ और अब मैं सीधा घर के लिए निकलूँगा दिल्ली के लिए। और फ़ोन में भी बैटरी कम है तो मैं अब फ़ोन में सीधा मैप लगाता हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अब सीधा मैं घर पहुँच रहा हूँ। तो चलिए बाय बाय।